नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं अपने इस वीडियो में IVF के बारे में बात करूंगा। जो पार्टनर्स या जो मैं बोलूंगा कि जो कपल्स IVF में फेल हुए हैं और IVF फेल के साथ साथ जो माइंड बना चुके हैं कि हमने IVF करवाना है, ये वीडियो उनके लिए। अगर आप IVF में फेल हुए हो तो किसी न किसी कारणवश हुए हो, या मे बी आपका मॉर्फोलॉजी खराब हो, एज इन आपके स्पर्म जो मेल पार्टनर से जो आप स्पर्म गैदर करते हो वो स्पर्म खराब हो, उनकी मॉर्फोलॉजी खराब हो। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, अब उसमें कैसे क्या टेरेट्रो एजोस्पर्मिया जिसे बोलते हैं और उसके साथ बोलते हैं एस्थेनियो एजोस्पर्मिया, दोनों की एजोस्पर्मिया के केसेस में क्या होता है बेसिकली कि आपकी स्पर्म की क्वांटिटी ही तो सही होती है बट उसके साथ आपकी जो क्वालिटी होती है वो खराब होती है। अब वो कैसी क्वालिटी खराब होती है, किसी की पूंछ नहीं है तो किसी का हेड नहीं है, या किसी की गर्दन इस तरीके से फॉर्म नहीं हुई, या आपके स्पर्म का हेड का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा है। अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके स्पर्म में हैं तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी एग को। वो किस कारणवश, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, इतना दबाव नहीं बना पाता कि वो एग के अंदर पेनिट्रेट होकर एक फीटस डेवलप कर पाए या एक एम्ब्रियो डेवलप हो पाए। और अगर आपने अभी तक अगर IVF में फेल हुए हो तो कॉज ऑफ मॉर्फोलॉजी की वजह से हुए होंगे, या मे बी आपका जो स्पर्म है इतना सक्षम नहीं हो पाता, इतनी शक्ति नहीं होती उसमें कि वो उसमें एंटर कर पाए, और एंटर करवा भी दिया जाए तो वो उसके बाद फीटस डेवलप नहीं हो पाएगा। या समझ लीजिए फीटस भी डेवलप हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में क्या होता है, कभी कभार मिसकैरेज हो जाता है। ये एक कारण होता है आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पे। अगर आपका स्पर्म बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सारी चीज़ें सेट हैं तो ये IVF भी फेल नहीं होंगे। अब आज की डेट में बहुत बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है IVF के लिए, तो IVF में आज की डेट में कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्पर्म्स को काउंट किया जाता है या ऐसे स्पर्म को निकाल के डाला जाता है जिनको लगता है कि ये पावरफुल हैं, ये इतनी सक्षम हैं कि एक एग को पेनिट्रेट करके आराम से एक फीटस में डेवलप हो सके या एक एम्ब्रियो डेवलप हो सके। तो IVF अगर आप प्लान कर चुके हैं, अगर आपने माइंड बना लिया है कि मेरे को IVF करवाना है, एज एन कपल आप सोच रहे हैं कि IVF सजेस्ट हो चुके हो, अपना माइंड मेक कर चुके हो कॉज ऑफ आपकी एज, कॉज ऑफ आपकी नॉर्मल रूटीन वाइज, तो आप सही हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने IVF प्लान किया, IVF प्लान करना इज़ अ गुड थिंग, बट उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आप अपने ही स्पर्म से, मतलब मान लीजिए जो आपके मेल पार्टनर हैं उनके ही स्पर्म से आप एग को पेनिट्रेट करवाना चाहते हैं तो उनकी मॉर्फोलॉजी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी सही आ रही है या सब कुछ नॉर्मल है फिर भी पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा, तो एक रीज़न हो सकता है कि ना हो पाए। बट कहीं ना कहीं अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि टेरेट्रो एजोस्पर्मिया एस्थेनो एजोस्पर्मिया के केसेस में वहाँ पर कुछ ऐसे स्पर्म जरूर मिलते हैं, चाहे आप वहाँ पर 0.1% लीजिए, चाहे 0.2 या 9 या 10%, तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्पर्म जरूर मिलेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। और अगर आपके स्पर्म काउंट उस हिसाब से कम है तो उनकी मॉर्फोलॉजी भी कम होगी। मान लीजिए अगर आपके 5 मिलियन स्पर्म काउंट है, 5 मिलियन में 0.1% होते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में ठीक स्पर्म आपको मिलेंगे। अगर वहीं पर अगर आपके स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 10 या 20 मिलियन के आसपास हो गए, तो आपकी मॉर्फोलॉजी भी उसी हिसाब से सुधरेगी। अगर मॉर्फोलॉजी सुधरेगी वहीं पर विथ मॉर्फोलॉजी की जो बेसिक अच्छे जो नॉर्मल मोटिलिटी वाले जो स्पर्म है उनको गैदर करने में आसानी होगी। मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि अगर जनसंख्या बढ़ा दूं तो उसमें ठीक स्पर्म भी सही और ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि टोटल जनसंख्या में भी आपको वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। अगर मॉर्फोलॉजी उसमें 0.1% भी होती है तो स्पर्म काउंट बढ़ने के रीज़न से मॉर्फोलॉजी में 0.1% की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप IVF प्लान कर रहे हैं तो आप अपने स्पर्म के लिए या अपने स्पर्म के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि 3 चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज़ आपका फिज़िकल एक्टिविटी होना, आपके जो शरीर है फिज़िकल एक्टिविटी फुल ऑफ हो कि उसमें कुछ ऐसी दिक्कत ना है। और दूसरी चीज़ अगर फिज़िकल एक्टिविटी के साथ अगर मेडिसिन आप कुछ लेते हैं तो वो चीज़ भी आपके शरीर पर लगे, और मेडिसिन की वजह से आप एक ट्रीटमेंट की वजह से अपने मॉर्फोलॉजी को सुधार सकें, अपने स्पर्म काउंट को सुधार सकें। और थर्ड आपकी डाइट जिसे हम आहार कहते हैं, आहार विहार और दवाइयाँ, ये 3 चीज़ें आप पे अच्छी तरीके से काम करेंगी। और अगर आपके दिमाग में कैसा भी डाउट है,
कोई मन में कुछ ऐसी क्वेरी है कि आपकी मॉर्फोलॉजी और आप आईवीएफ प्लान कर चुके हैं, क्योंकि एक ऐसी एज आ चुकी है जहां पर आपने आईवीएफ का सोच ही लिया है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप 35 क्रॉस कर देते हैं एज एन कपल, तो आपको लगता है कि अब हमें आईवीएफ की नीड है, क्योंकि 35 एज क्रॉस करने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंसीव होने के एज एन चाइल्ड गिफ्ट लेने के लिए, एज एन गुड न्यूज़ लेने के लिए। बट वहीं पर अगर आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं 35 की एज में, 30 की एज में, या 29-38 की एज में, तो वहाँ पर मैं आपको थम्स अप करूँगा और ये भी कहूँगा कि आईवीएफ आप प्लान कर लीजिए, बट उससे पहले मेल पार्टनर की मॉर्फोलॉजी को सुधार लीजिए, जिसकी वजह से आपको कहीं डोनर नहीं लेना पड़ेगा, किसी और के स्पर्म को नहीं लेना पड़ेगा, वहाँ पर आप डोनर से बच सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको किसी चीज़ की भी क्वेरी लेनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं उसका एक सुटेबल आंसर। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।